अरे तू तो भाई है ना जिसकी जीत फिक्स थी। हाँ सर हूँ तो वही। क्या हुआ इतना हताश कैसे बैठा है? सर मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, और एक बार हारने के बाद ना अब मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का। हौसला जैसे टूट गया है, दोबारा शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार लेकिन क्यों? बस इन लोगों के तानों की वजह से, क्योंकि लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे कुछ करने नहीं देते। ओए सुन, लोगों के ताने सुन सुन के अपने ही सपने कैसे तोड़ सकता है तू? यहाँ पर आकर के कैसे रुक सकता है? तुझे किसने कहा कि तेरे पास रुकने का, यू टर्न मारने का, हार मानने का ऑप्शन भी है? इतना कमजोर है क्या तू? अभी हिम्मत मत हार, अभी तो तुझे बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसको भी तो करके दिखाना है ना। तू कुछ नया कर, कर दिखा कुछ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे वो काम तेरे जैसा। तुझसे अगर एक बार भी अपनी असफलता बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो सुन, अगर तू सफलता तक पहुंचना चाहता है तो मेरे दोस्त असफलता की रोड से होकर ही गुजरना पड़ेगा तेरे को, और लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। बस तू अपनी एनर्जी किसी को टाइम किसी को जवाब देकर के वेस्ट मत करना। ताने सुन लेना और उनको सुन कर के अपने दिल की आग को जलाते रहना, और वो आग तब तक चलनी चाहिए जब तक लोग तेरी औकात ना समझ जाए। तुझे अपने सपनों को कैसे भी करके पूरा करना है। एक बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग, उसके लिए मेहनत, सब कुछ जीरो से शुरू होती है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी उड़ान दूसरों को देख करके नहीं भरते। उन्हें खुद को पता होता है अपनी मंजिल और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। जब तू कुछ गलत नहीं कर रहा है तो भाई तुझे डर क्यों लग रहा है? अगर कोई गलती भी हुई है ना, तो सीखना उससे कुछ कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और सही करने की हिम्मत ना उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरता। देख हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता लगने में देरी होती है। जब तूने सपना देखा, उसकी प्लानिंग करी, उसको अपनी मेहनत दी, तो भाई अब उसको तू नहीं छोड़ सकता। अब तो तुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि तेरा सपना कोई आसान सपना नहीं है। तूने वो करने की ठानी है जो आज तक लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी। जब अकेला चलना शुरू कर दिया है ना, तो अपने इरादों को मजबूत रख। तेरे जितने बड़े हौसले होंगे ना, तेरे पीछे चलने वाला काफिला भी उतना ही बड़ा होगा। तू बस चलता रहे, तू अकेला पूरी दुनिया के बराबर है। झुंड में चलने वालों की नजरें हमेशा भेड़ की तरह झुकी हुई होती है, लेकिन अकेले चलने वालों की शेर की नजरें होती है। वो हमेशा सतर्क और उठी हुई रहती है, जो अकेला ही पूरे जंगल पर राज करने के लिए काफी होता है। तू अपनी लाइफ का शेर बन। दुनिया की कोई भी ताकत तेरी परमिशन के बिना तुझसे तेरी काबिलियत, तेरे सपने, तेरी ताकत और तेरी हिम्मत नहीं छीन सकती। तू अकेला है तो क्या हुआ? तूने सपने भी तो अकेले देखे थे ना। माना कि तू सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो 100% कर सकता है जो तूने अपने लिए सोचा है। और अगर तुझे ऐसा लग रहा ना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो भाई मेरी एक बात याद रखना, किसी दिन तेरे सामने कोई समस्या नहीं आए ना, तो समझ लेना कि तू गलत रास्ते पे चल रहा है, बल्कि तू कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर समस्याएं आ रही है, रास्ता अगर मुश्किल लग रहा है, तो समझ लेना कि यही सही रास्ता है। हवाओं के भरोसे मत उड़ता रहे, चट्टान की तरह मजबूत बन, क्योंकि चट्टानें तूफानों का रुख भी मोड़ देती है। और जब तूने सोच ही लिया कि कुछ नया करके दिखाना है, तो तुझे सफर में आसान रास्ता मिलेगा ये सोच ही मत। बस पेशेंस रख, खुद पर भरोसा रख, अपने सपनों को, अपने हौसलों को कभी छोटा मत समझ। लोगों की बातों में मत आ, शांत रह, क्योंकि तेरी लड़ाई लंबी चलने वाली है, और उस लंबी लड़ाई के बाद में एक दिन तेरी सफलता अपने आप सबको ये बता देगी कि तू कौन है, क्योंकि तुझे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना है। जिन लोगों ने तेरे बारे में ये सोचा है ना कि यार ये तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया, तुझे तो ऐसा करने के बारे में सोचते ही नहीं चाहिए था, तू कहां और ये तेरा सपना कहां, तो भाई ऐसी भीड़ से अलग होने में फायदा है। क्योंकि लोगों ने कब चाहा है तुझे और तेरे सपनों को? जब तू भीड़ से अलग होकर के अपना रास्ता बनाएगा ना खुद, तब जमाना तुझे अपने आप पहचान लेगा। तुझमें जुनून है, खोलता हुआ तेरा खून है, तो कुछ तू नया करके दिखाना। क्यों किसी पीटी बातें लेकर के खुद को कमजोर बना रहा है? तू हजारों में कमाने वाला, करोड़ों में एक तेरा सपना इतनी आसानी से पूरा तो नहीं होने वाला भाई, तो तू आराम से कैसे बैठा है? तेरे सोचने का टाइम खत्म और मेहनत करने का टाइम शुरू हो चुका है। अब तेरे पास में यू टर्न लेने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आकर के तू वापस मुड़ा ना, तो तुझे लोग तो वैसे ही नहीं जीने देंगे। जाते ही बोलेंगे कि देखो आ गया ना वापस, कर लिया ना कुछ नया, हमने तो पहले ही कहा था कि तुझसे नहीं होगा, और तू ये सुनने के लिए तो यहाँ तक नहीं आया होगा ना, इसलिए तुझे वो सब करके दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। आसान तो भाई सब कर रहे हैं, तुझे वो करना है जो सब नहीं कर रहे, यानी कि जो मुश्किल है। अब तू छोटा था तब आसमान की तरफ देख करके बड़े बड़े सपने देखता था ना, कि बड़ा होकर के मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा बनूंगा। अब कहां पे गया वो जुनून? इस करोड़ों की दुनिया में अगर अपनी पहचान बनानी है ना दोस्त, तो ऐसा करके दिखाना ही पड़ेगा कि जहाँ पे तू खड़ा हो और वहीं से लाइन शुरू हो जाए। अब तुझे करियर नहीं बनाना, तुझे इतिहास बना के दिखाना है। तू जब कमजोर पड़ने लगे ना, तो ऐसे लोगों को याद किया कर जिसने तेरे से पहले कुछ नया, कुछ महान करने की कोशिश की थी, ऐसा जो किसी ने नहीं किया हो। सुनी होगी ना अरुणिमा सिन्हा की कहानी, जब लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से उनको फेंक दिया, तो हादसे की वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा। अगर वो चाहती तो ये बहाना कर सकती थी कि मेरे एक ही पैर है, अब तो मैं क्या ही कर सकती हूँ।
लेकिन उन्होंने अपने एक पैर के ना होने की वजह से अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने कमजोरियों को ताकत बनाई और कर दी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। और बन गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। तो जिंदगी की जंग को जीतने के लिए तुझे खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कैसी भी समस्या आ जाए सबसे लड़ना है और बस जीतना है। दिल से नहीं, दिमाग से सोच। दिल और दिमाग दोनों से सोच और फिर उस मेहनत में पूरी जी जान झोंक दे। क्यों तू उन लोगों जैसा बन रहा है जिनकी जिंदगी इम्पॉसिबल से शुरू होकर के अपनी किस्मत को कोसने पर खत्म होती है। तुझे अगर कामयाब होना है ना तो अपने फैसले से, अपनी मेहनत से दुनिया को बदल दे, क्योंकि तू दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देने वालों में से नहीं है। अरे देखा जाएगा कि कल क्या होने वाला है, बस तू आज हिम्मत रख। सोच के आया ना कि करके ही दम लूंगा तो वो कर। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया वो तू भी नहीं कर सकता? भाई जो किसी ने नहीं किया ना वही तो करके दिखाना है। देख मौके सबके पास होते हैं, कोई हार के रोने लग जाता है तो कोई हार के बस रिकॉर्ड तोड़ने की सोचता है। और तू हार मानने वालों में से नहीं है। तेरे सपनों के बारे में अगर किसी को पता भी चला ना तो सुनने वाला एक बार तो सदमे में चला जाना चाहिए कि यार ये तो बहुत कमाल की बात है, इस बंदे में ऐसा सपना देखने का दम है। भाई जीतना अगर आसान होता ना तो मेहनत करने वालों को कौन याद रखता और हार नहीं मानने वालों को कौन याद रखता? जिद्दी बन, इतिहास रच। तुझे नहीं चाहिए पड़ोस के लोगों का सपोर्ट, तुझे चाहिए खुद पर विश्वास। जीत तोड़ मेहनत, चट्टान जैसा हौसला और पेशेंस। जब सपना ही कुछ नया करने का है ना तो रास्ता ही नया बनाना है, आगे बढ़ने का तरीका भी ढूंढना है। खुद को कम मत समझ। एक सक्सेसफुल इंसान को ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और ना ही सफल होने का कोई मंत्र मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी जिद से सफल होता है। मेहनत सब कर रहे होंगे, करियर भी सबको बनाना होगा, लेकिन तुझे इतिहास बनाना है। अगर बात बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दम अक्सर, अगर ना बिकने का इरादा होना तो कीमत अपने आप बढ़ती जाती है। और तेरे सपने, तेरी मेहनत बिकाऊ नहीं है। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ सीखने और करने का अवसर मिलता है। खुद से जो तूने उम्मीद लगाई है ना वो जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जुनून ही तुझे फिर से उठने की ताकत देगा। तुझे बताएगा कि भाई इतना कर लिया है पर इतना और बाकी है, चल लग जा काम पर। लोग तुझे ताने मार मार के दिखा रहे होंगे अपनी औकात, क्योंकि उनकी औकात उतनी ही है, लेकिन तुझे अपनी औकात बनानी है जिसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो औकात ही कैसी जो किसी को दिखानी पड़े। असली औकात तो वही होगी ना कि तू जिधर से भी निकले सब लोग तेरी कामयाबी और संघर्ष की बातें करें। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और मुझे विश्वास है कि तू एक दिन कुछ नया, कुछ बड़ा करके, कुछ महान करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।